हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। वो एक के बाद एक बड़ी फिल्म में साइन करते ही जा रहे हैं। वहीं हाल ही में खिलाड़ी कुमार ने अपनी नई फिल्म बच्चन पांडे का फर्स्ट लुक रिवील किया है। पोस्टर में अक्षय लुंगी में नजर आ रहे हैं और उनका अंदाज बेहद ही दमदार लग रहा है, जिसे देखने के बाद से ही उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार इस फिल्म के जरिए उनको क्या नया देखने को मिलने वाला है। तभी तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 8 वजहों के बारे में जिसके चलते ये फिल्म और भी ज्यादा खास होने वाली है। नंबर 1, साउथ इंडियन करेक्टर। खिलाड़ी कुमार को आप अब तक कई तरह के रोल्स और लुक्स में देख चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब अपनी किसी फिल्म में वो साउथ इंडियन लुक में नजर आएंगे। नंबर 2, फराज सामजी अक्षय की जोड़ी। हाउसफुल 4 के बाद अक्षय एक बार फिर से इस फिल्म में फराज सामजी के साथ काम करने वाले हैं। फिलहाल हाउसफुल 4 अभी रिलीज नहीं हुई है। अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो ये साफ हो जाएगा कि बच्चन पांडे भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी। नंबर 3, अक्षय आमिर की टक्कर। अक्षय की ये फिल्म 2020 के क्रिसमस पर थिएटर्स पर दस्तक देने वाली है, जिसकी वजह से ये फिल्म आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा को कड़ी टक्कर देगी। अब आप ही सोचिए, जब दो बड़ी फिल्में साथ में रिलीज होगी तो हर जगह इन फिल्मों की ही चर्चा होगी। नंबर 4, पुलिस वाला रोल। कहा जा रहा है कि फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय पुलिस वाले के रोल में नजर आ सकते हैं। इससे पहले वो राउडी राठौर में भी पुलिस वाले का रोल निभा चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं साल 2020 में वो सूर्यवंशी नाम की फिल्म में भी एक पुलिस वाले के रोल में दिखाई देंगे। ऐसे में अगर वो बच्चन पांडे में भी पुलिस का रोल करते हैं तो फैंस की तो चांदी हो जाएगी। नंबर 5, फुल ऑन मसाला एंटरटेनर। अक्षय की ये फिल्म एक फुल मसाला एंटरटेनर है। यही वजह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दरअसल फिल्म के पोस्टर से ये साफ पता चल रहा है कि इस फिल्म में एक्शन के साथ साथ अक्षय कॉमेडी भी करने वाले हैं। नंबर 6, बच्चन पांडे का नाम। इस फिल्म में अक्षय कुमार का नाम बच्चन पांडे है। इस फिल्म से पहले फिल्म दर्शन में भी उनका यही नाम था। ऐसे में देखना मजेदार होगा कि इस बार बच्चन पांडे क्या कारनामा दिखाने वाले हैं। नंबर 7, अक्षय कृति की जोड़ी। इस फिल्म के जरिए अक्षय दूसरी बार कृति सनन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। हालांकि दोनों की साथ में आ रही पहली फिल्म हाउसफुल 4 भी अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी बैक टू बैक दो बार देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा। नंबर 8, अक्षय का स्टारडम। ये तो आप जानते हैं कि अक्षय कुमार की पॉपुलैरिटी इस कदर है कि हर साल 4-4 फिल्में देकर भी दर्शक उनसे बोर नहीं होते। उनकी फिल्मों में कुछ ना कुछ खास देखने को मिलता है। साथ ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। तो ये थी वो वजहें जो अक्षय की बच्चन पांडे को बनाती है एकदम ब्लॉकबस्टर। वैसे आप अक्षय की इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाय अक्षय, ऑन योर राइट, आपके राइट पे यहाँ पर, ऑन योर राइट, या कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम, द ट्रेलर इज सुपर्ब। आपकी फिल्म 15 अगस्त को आ रही है, जॉन की बाटला हाउस एंड साहो इज टू कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑल बिग फिल्म्स। लास्ट ईयर भी आपका जॉन की फिल्म के साथ क्लैश हुआ था, दो यू ऑल आर फ्रेंड्स, व्हाट हैव टू से ऑन दिस थिंग। तीन फिल्में, बड़ी फिल्में आ रही है अभी। जॉन, आपने ये पता नहीं, शायद आप ही ने सवाल किया होगा, लेकिन जॉन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज यार। और देखिए, और वैसे भी आपको बताऊं कि बात तो सही है, देखिए साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने फ्राइडे होते हैं, 52, यस यस, या। और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी हिंदी फिल्में, 180, 190 जी, तो क्या करें, दो दो तीन तीन नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे। हाँ? कि किसको परेशानी हुई? क्योंकि वे फ्रेंड्स। हाँ? सब तो दोस्ती आ रही, तो क्या होता ना, देखिए
और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा। ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी अब तो दो दो तीन तीन होती हैं, अब तो आगे जाके चार चार पाँच पाँच भी होंगी, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलॉन्ग विद इट एंड दैट्स इट। अक्षय, हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी फिल्में आ रही है, इट्स लाइक यू नो एक मैसेज के साथ होती है एंड इट्स एंटरटेनिंग, तो दैट इज योर पर्पस आल्सो, लाइक आप इस तरह की सब्जेक्ट को अगली फिल्म हाउसफुल, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है, वो जरूर आना आप देखने। नहीं, कॉमेडी में भी आप कुछ ना कुछ मैसेज दे ही देते हो सर, मैं कह रहा हूँ उसमें तो जरूर आना देखने। एंड वन क्वेश्चन टू शर्मन, आपकी फिल्म हमने 3 इडियट्स देखी थी, वहां पर भी यू नो आप थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ मंगल भारी है टाइप का रोल है, व्हाट आई वुड से अबाउट हिट है, हिट है पिक्चर, हिट है। स्क्रिप्ट राइटर से पूछे मैं क्या बताऊं, बिफोर शर्मन कुछ बोले, मैं आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ हिम बाय द वे, I've seen all his films. He's a great actor. He's one of the best actors I've Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sharman, how much personally you believe in this? Like, you know, पहले मंगल मिशन से पहले तो हम मंगल की बात कर रहे थे, मंगल भारी है या एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा रिलेट करते थे पहले, क्या कहें? नहीं, पहले बिलीव नहीं करता था बिल्कुल, 3 इडियट्स के बाद बिलीव करने लगा, विपरीत हुआ, विपरीत। अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट, On your left. Hi, Akshay. Rachna. Akshay on your left. Akshay Paji. एक मिनट भाई साहब, आप जहाँ भी हैं रुक जाइए, ladies first. जी. सर, हमने हमेशा देखा है कि आप 15th August की डेट को बहुत प्रेफरेंस देते आए हैं, सडनली अब और लोगों ने भी उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है, सडनली डू यू फील दैट द होल एक्सक्लूसिविटी दैट यू हैड ओवर 15th August इज समवॉट गॉन? नहीं, ऐसा नहीं, एक्सक्लूसिविटी तो आई डोंट थिंक सो, ऐसा मुझे सोचना भी चाहिए और किसी भी एक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि सारी डेटे इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन कम एनी टाइम इट दे कैन कम, सो मेरा ये सोचना गलत होगा कि ऐसा सोचूं कि ये मेरी डेट है सर। ओके गाइस, वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, नाउ लास्ट क्वेश्चन। These films also motivates the whole India only. That's what the whole idea is behind. Sorry. तो बेटे एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊं मैं? हाँ, एक ही दिखा सकता हूँ ना, कि क्या करूँ? कि 20-25 दिखा दूँ, एक इंजीनियर भी है, एक अलग-अलग उनकी कहानियाँ चल रही हैं। भी है, अलग-अलग फिल्में होती हैं ना, आप समझदार हो, आप समझो तो एक फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊंगा बैठ के? वो मत बनना, वो मत करना आप। अच्छा ठीक, कर लेता हूँ। सर, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, सो वी क्लोज द क्वेश्चन। सर, सिंस वी आर टॉकिंग, आई एम एंजॉयिंग इट, यू गाइस आर एंजॉयिंग, यू गाइस आर एंजॉयिंग। Since we are talking about bringing change and one doing second, something, one second, new, one second. So, since we are talking about bringing change and doing something, we see every time there's a tragedy, you come forward and you do something for the people. Like yesterday, you donated 1 crore towards the Assam Relief Fund, and then for 1 crore for the animals of Kaziranga Park. In the time when people don't care about human life, you're caring about human and animals. Do you want to say something about it? क्योंकि जनाब, मैम sorry, मैम मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो And I'll tell you something. मैंने परसों तरसों की बात कर, मैंने एक फ़ोटो देखी थी, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेके पानी के थ्रू से निकल रही थी। And actually, I consider that हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। When I saw that photograph, I thought ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, जैसे वो फोटोग्राफ में था कि कैसे वो पानी के अंदर, इतना पानी था और बच्चे को यहाँ तक लेके जा रही थी, आसाम फ्लड का ही था। एंड आई वुड जस्ट से कि मुझे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है और
सो सैड ऑन ट्विटर में नहीं डालना है. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा ये मत डालो, कुछ करो, चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो या 25 लाख क्यों ना हो या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको. गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट एंड सेइंग इट इज वेरी सैड, इट इज सो, गॉड ब्लेस एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग वाज ओके. डोंट डू दैट, रिएक्ट टू इट, जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स इट.